सो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग चैनल इंदौरी ब्लॉग्स। ऊपर तो सारे भाई लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा मजा होंगे तुम्हारे भाई की तरह। तो भाई लोग जैसा कि आज मतलब आप सब लोगों को पता है कि मैं कितना घूमता फिरता रहता हूँ, कितनी सारी चीज़ें खाता रहता हूँ, तो आज मैं आपको एक यूनिक जगह लेके आया, मतलब यूनिक तो नहीं बोल सकते मगर अननोन प्लेस, जहाँ की जो जगह है ना ये रिवील नहीं हुई है अभी तक, किसी ने रिवील नहीं की है। क्योंकि मैंने यहाँ जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो इसके पहले मैंने यहाँ की जो खिचड़ी है भैया की, जो दही वाली खिचड़ी बनाते हैं, वो मैंने टेस्ट की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि यार बहुत काफ़ी हद तक मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाने आया हूँ कि भैया की जो खिचड़ी है वो कितनी स्वादिष्ट है और कितनी अच्छी है। ठीक है, सारी भैया की मेकिंग वगैरह दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, और एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने आपको अभी इसके ये वीडियो दिखेगा ना इसमें सारा एड्रेस दिखा दिया है। और अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये अरबिंदो कॉलेज का कैंपस है। ठीक है, अरबिंदो कॉलेज के मतलब हॉस्पिटल है उसके जस्ट पीछे की साइड है, तो आप लोग आ जाना कैंटीन के पास से, मतलब कैंटीन के पास से रास्ता गया हुआ है, तो अंदर जाके आपको ये भैया का कार्ड दिख जाएगा, भैया से मिलवा देता हूँ और उनकी मेकिंग वगैरह हम अपन सब देख लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि भाई कितनी टेस्टी लग रही है, क्योंकि मैंने टेस्ट करी, अभिषेक भाई ने टेस्ट नहीं करी है, तो अपन अभिषेक भाई को टेस्ट करवा के और इनका रिव्यू लेंगे कि भाई इनको कैसी लग रही है। ठीक है, अपन सामने से जस्ट कैंटीन के पास से रास्ता गया है, आएंगे जस्ट सामने भैया का आपको कार्ड दिख जाएगा, चलते हैं भैया के पास में पूछ लेते हैं कि क्या मेकिंग करते हो, कैसी बनाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है भैया? साबुदाने मतलब उबाल के रखते हो आप? हाँ। क्यों उबलते रहते इसके अंदर? उबलते रहते हैं ना। ठीक है, डाल दो। पानी के भाप से पकती है। अच्छा, पानी के भाप से पकती है। ठीक है, ये जो मसाले वगैरह हैं ये आप घर पे प्रिपेयर करते हो सारे? हाँ, घर पे बनाते हो ना? धनिया डाल दिया मैंने, अनार के दाने डाल दिए, डाल दिए पीनट। क्या सारा फलियारी आइटम ही मिलता है ना अपने यहाँ पर? तो नींबू भाई लो, एक बार का खत्म हो चुका है, भैया सेकंड टाइम बना रहे हैं।
वापस सब लोग मतलब ले गए। क्या हुआ ओ भैया, क्या हुआ, कौन सी दुनिया में खोए हुए हो तुम? मोबाइल की दुनिया में खोए हुए। देख सकते हो कितना रश हो रहा है यहाँ पर, सब लोग खड़े हैं, सब कैंपस के ही लोग हैं यहाँ। बाहर का आदर कोई नहीं आता, बाहर के बहुत कम आते। तो भाई जिसके लिए हम आए थे भैया, हमारे लिए वो खिचड़ी बना रहे हैं, दही खिचड़ी। ये ऊपर की पीछे खिड़की में देना है क्या? हाँ ठीक है, अब क्या मैं ही काट लूँ? वो आ जाएगा वीडियो में, ऐसा कैसा कस्टमर खुद अपनी सेवा कर रहा है। चाय रखी चाय? अरे क्या बात है, प्रेम भैया प्रेम से पिला रहा है बेटा, वो नहीं तो आने में नहीं कई बार प्रेम चोपड़ा ना तो प्रेम चोपड़ा ही समझ ले तू। तो क्या यार, अब क्या मैं खुद ही काट लूँ? अरे एक मिनट, मटेरियल डालते हैं मतलब आदमी का ऐसे मुंह में पानी आ जाए। हाँ ना, मैं पहले आया था ना, इस बार मैं खा के जा चुका हूँ। अच्छा, अब मेरे को टेस्ट अच्छा लगा तो मैंने वीडियो बनाना चाहिए। तो बढ़िया है, बहुत तगड़ा टेस्ट है। टेस्ट के वजह से यहाँ लोग आते हैं, नहीं तो आदमी लेट लेट इतना करता आदमी। तो भाई लोग देखो भैया ने क्या भर भर के इसमें दही डाला हुआ है। ऐसी भलियारी खिचड़ी तो आपने लोगों ने कहीं भी नहीं खाई होगी, वो नीचे गिर गई मेरी चिप्स। तो भाई लोग ऐसी खिचड़ी जो है मेरा तो बोलना है बोल नहीं रहा मैं, अब खा के ही बताऊँगा कि क्योंकि बहुत देर से बनते हुए देख रहा हूँ ना मैं, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था ना। हाँ, वो भूख ही लगने लग गई। जब तक दे नहीं रहे थे अब तक अपने मुंह में पानी आ रहा था। मैं इसलिए ज्यादा बात भी नहीं करी, मैंने बात ही नहीं, मुंह से ना निकल ही नहीं रहे थे शब्द। बोल राजा बाबा भाई, क्योंकि मैंने पहले खाई है, बहुत तगड़ी टेस्ट है भाई, बहुत। बोलना तो मतलब दही का जो प्रॉपर टेस्ट आता है ना, दूध जैसे दही कहीं का खट्टा लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं भैया ने इसमें। जो इनकी खिचड़ी वगैरह थी ना, इसमें इन्हें प्रॉपर शक्कर वगैरह ही मिलेगी, दही भी प्रॉपर मिला है, जो मसाले का यूज़ करा है बहुत अल्टीमेट लग रहा है। भाई लोग आपने मेरा रिएक्शन देख लिया, मेरे मुँह में आ रहा है बहुत तगड़ा वाला पानी। अपन एक काम करते हैं, अभिषेक भाई से रिएक्शन लेते हैं कि उन्होंने आज तक जीवन में कभी ऐसी खिचड़ी खाई है कि नहीं खाई है। अभिषेक भैया, आयुष भाई ने अपना रिव्यू दे दिया। मेरा रिव्यू बनता तुम दियो, और आज 10 में से रिव्यू देना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल भाई, है ना। देखो बताना चाहूंगा, जो खिचड़ी ट्राई करी पहले तो मैं इसको अपनी रेटिंग ही दे देता हूँ। मैं इसको 10 में से 9.5 अंक दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भैया ने इसमें जो दही मिलाया और जो मसाले मिला, परफेक्ट इसका ना बैलेंसेस स्वाद हो गया उससे, कि ना ज़्यादा अपन को खट्टी लग रही है ना मीठी लग रही, परफेक्ट बैलेंसेस स्वाद लग रहा। एक बार आप अगर अरविंदो साइड आ रहे हो तो यहाँ पे आकर आपको खिचड़ी खाना बनता है, एक बार आप आ सकते हैं। आप आओगे और फिर बार बार आओगे? यस, क्योंकि भैया ने उनके वहाँ पे टैगलाइन लिखी है, एक बार खाओ और बार 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 आओ। बताएंगे बिल्कुल आपको वीडियो में, देखना। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी। कितने टाइम से भैया क्या क्या खिचड़ी खा रहे हैं? मैं यहाँ करीब 2 साल से हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे बहुत बढ़िया खिचड़ी बनाते हैं भैया। ठीक है, खिचड़ी के अलावा और कुछ भी ट्राई किया है आपने यहाँ पे? और चिप्स भी है। चिप्स भी ट्राई की है भैया जो बनाते हैं? ठीक है भैया, थैंक यू आपका। दीपक यादव नाम है मेरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितने समय से भैया क्या खिचड़ी खा रहे हैं? 3 साल से खा रही हूं। 3 साल से खा रहे, कैसा क्या स्वाद लगता है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्वाद, एक नंबर स्वाद है। क्या नाम है आपका? धीरा सोलंकी। तो ठीक है भैया, भैया क्या से पे खिचड़ी ट्राई कर रहे हो, कितना समय हो गया आपको? मेरे को 3 साल हो गया खाते खाते। कैसा स्वाद लगता है आपको? एक नंबर, एक नंबर स्वाद लगता है। खिचड़ी के अलावा और कुछ भैया का आपने ट्राई कर? भैया चिप्स वगैरह वो बना, दाने टेस्टी दाने और दही वाली खिचड़ी सब ट्राई कर, सब बेस्ट है भैया का। भैया आपका नाम? अभिषेक। ठीक है अभिषेक जी, आपको कितने समय हो गया खाते खाते? 2 साल। 2 साल आपको कैसा क्या स्वाद लगता है भैया का? बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू। बस अपन ने भैया की मास खिचड़ी विचड़ी निपटा ली है। अभिषेक भाई रियली बताना कैसा स्वाद है? बिल्कुल एक नंबर स्वाद है, एक बार आओगे बार बार आओगे भाई, कसम से बोल रहा हूँ। कसम से बोल रहा हूँ भाई, तुम रिटर्न आओगे पक्का, ये मेरी गारंटी। अगर यहाँ की खिचड़ी तुम लोगों ने नहीं खाई है तो एक बार आना, 35 रुपये की खिचड़ी है मात्र, आना खा के देखना। तुमको पूरे ऑल ओवर इंदौर में कहीं पर ऐसी खिचड़ी नहीं मिलेगी, तुमको मज़ा आ जाएगा खाने के बाद में। ठीक है,
भैया क्या, भैया से मैं सारी चीज़ें पूछ भी नहीं सकता क्योंकि भैया का रह देख सकते हो मेरे बैक साइड में, वहाँ पे कस्टमर्स ही कस्टमर खड़े, तो भैया से बात करने का समय है नहीं। ठीक है, तो अपन ऐसे ही एड्रेस वगैरह तुमको समझा ही था, तुम लोग आ जाना। ठीक है, ठीक है अभिषेक भाई, चले एक और बार आएंगे सावन सोमवार पे। ठीक है भाई, हम उपास रखेंगे खिचड़ी के लिए मात्र। ठीक है, खिचड़ी के लिए स्पेशल उपास रखने वाले हम। तो भाई होप करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तुम्हारा भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई अच्छी सी कई जगह मिलती है तो आप प्लीज़ हमको रिकमेंड करना ताकि हम वहाँ पर जाके वीडियो बना सके। ठीक है, और ये अपने अभिषेक भाई है, अभिषेक भाई का भी फूड ब्लॉग का चैनल है, इनके चैनल पर भी अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, आप लोग जाना चेक कर लेना एक बार भाई का चैनल भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय 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 बाय।